हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहित वर्मा और आज हम लोग बात करेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में। कंडक्ट डिसऑर्डर में ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने में काफ़ी उनको डिस्ट्रप्शन फील होती है। बच्चों में बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा और बच्चों के अंदर एक स्पेसिफिक टेंडेंसी देखी जाती है जिसके अंदर बच्चे डिसओबीडियंट और डिफाइंट होते हैं। बच्चे रूल्स ब्रेक करते हैं और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बच्चों का काफ़ी देखा जाता है। जनरली कंडक्ट डिसऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा कॉमन देखी जाती हैं, जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ और बड़ों के साथ अग्रेसिव हो जाना, डिस्ट्रक्टिव हो जाना, जानवरों के साथ डिस्ट्रक्टिव हो जाना, दूसरे लोगों की चीज़ों को तोड़ देना, अपने घर की चीज़ें तोड़ देना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये कुछ पैटर्न देखे जाते हैं जो कंडक्ट डिसऑर्डर में होते हैं। कुछ कॉमन कंडक्ट डिसऑर्डर के पैटर्न्स को भी जान लेते हैं। दूसरे बच्चों के साथ अग्रेसिव हो जाना, वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज करना, लड़ाई इनिशिएट करना, लड़ाइयों में पड़ जाना, एक गैंग सी बना लेना, कोई स्पेसिफिक वेपन या ऐसी चीज़ें जिससे दूसरों को हार्म पहुँच सकता है, उन चीज़ों को अपने पास रखना। कुछ ऐसी पास हिस्ट्री बच्चों की रही हो जिसके अंदर बच्चे स्पेसिफिकली जानवरों के साथ और कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गए हों, घर से, स्कूल से या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो जाते हों, चीज़ों को चोरी कर लेना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए दूसरों को फोर्स करना जिसमें दूसरे कंफर्टेबल नहीं, घर की चीज़ों को आग लगा देना, जला देना, फेंक देना और तोड़ देना। बहुत बार देखा जाता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चे झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और झूठ पकड़े जाने पर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बजाय उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से भाग जाना, घर से भाग जाना, एक सब कॉमन पैटर्न देखा जाता है जो कंडक्ट डिसऑर्डर में होता है। बाकी डिसऑर्डर्स के जैसे ही कंडक्ट डिसऑर्डर में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड स्टेजेस होती हैं। आइए जानते हैं कि किन बेसिस पे हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर। बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी पास्ट के कुछ महीनों में कैसी रही है। दूसरा पॉइंट, बच्चे अपने बुरे बर्ताव के लिए क्या गिल्ट फील कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, बच्चा क्या अपने इमोशनल एम्पैथी को शो कर पा रहा है। और चौथा पॉइंट, बच्चे अपने पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए फील क्या कर रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ जब कंडक्ट डिसऑर्डर मिलता है तो बच्चों की पर्सनैलिटी में भी काफ़ी डिफरेंसेस और ऑडनेस देखी जाती है। आइए बात करते हैं कि वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं। बच्चे दरअसल जब कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ डील कर रहे होते हैं तो उनको अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स का रिलेशन काफ़ी ठीक नहीं होता, यूँ कहें बहुत अब्यूजिव होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने बाकी वीडियोस भी जाना कि पेरेंटिंग अपने आप में एक साइंस है और कंडक्ट डिसऑर्डर में ये देखा जाता है कि पेरेंट्स की पेरेंटल साइंस में काफ़ी कम अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर को ठीक करने में, कंडक्ट डिसऑर्डर में के लिए बच्चों को एक राइट पैथवे देने के लिए पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्टिव थेरेपी प्लेज अ मेजर रोल इन डिसऑर्डर, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे अपने इमोशंस को पेरेंट तक और पेरेंट अपने इमोशंस को बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते। जस्ट लाइक PCIT, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्टिव थेरेपी, फैमिली थेरेपी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। फैमिली थेरेपी के अंदर फैमिली की जो अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली के जो मेम्बर हैं और उनकी भूमिका उस फैमिली में कैसी है और कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। बच्चे के साथ इंडिविजुअली सेशन करना, बच्चों को एक राइट पैथवे दिखाना, बताना और उनके प्रॉब्लम को और उनके लाइफ स्ट्रगल्स को समझ के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स उसमें बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। सोशल स्किल्स काफ़ी कम होती हैं उन बच्चों की जो कंडक्ट डिसऑर्डर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। सो इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स हेल्प्स देम अलॉट। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी, CBT मॉड्यूल वुड रियली हेल्प। बच्चों की जो को ऑक्यूरिंग जो प्रॉब्लम्स है, सच एज ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग प्रॉब्लम, उन सब के लिए जो हम लोग एक इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान होता है जो हम ऑफर करते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत हेल्प करेगी। अमूमन देखा जाता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर बच्चों को इससे रिलेटेड काफ़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि ADHD, लर्निंग प्रॉब्लम या लर्निंग डिसऑर्डर। तो बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, जिसे IEP भी बोलते हैं, वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं।
और उनसे बच्चों को काफी हेल्प मिलती है। होम बेस्ड रेमेडीज के अंदर घर का जो माहौल होता है उसके अंदर एक रूटीन को और एक स्ट्रक्चर को प्लान करना और उनसे जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस को भी बच्चों के साथ रिलेट कर पाना वो बहुत जरूरी है। आखिर वो पेरेंट्स क्या करें जिनके बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ डील कर रहे हैं। पेरेंट्स को हमेशा हमेशा एक राइट बिहेवियर की तरफ बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को रूल्स रेगुलेशंस को रिपीटेटिवली सिखाना चाहिए प्यार के साथ और सम्मान के साथ। घर के अंदर रिलैक्सेशन थेरेपीज को, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। जब भी बच्चा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है या ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो अपनी इम्पल्सिस को और अग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो रिलैक्सेशन थेरेपी के थ्रू और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू अपने आप को काम डाउन कर सकता है। देखा जाता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर बच्चों को वो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेम नहीं मिलता जिनकी वजह से उनका बिहेवियर कंडक्ट की तरफ बढ़ जाता है। तो बच्चों को एक राइट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना सो दैट उनके पास घर, अपने कॉलेज, स्कूल सब के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर। Thanks for watching this video. I hope you liked it. For any query, please contact to this given number. Thank you.